हम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि करंट अफेयर है 1 नवंबर 2023 का। चलिए इसे देखते हैं। तो पहला अर्जेंटीनियन कैप्टन लियोनेल मेसी ऑन अ रिकॉर्ड 8th बैलेंडोर फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बीटिंग नॉर्वेज यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर एंड ट्रिबल विनर अर्लिंग हलांड ऑफ मैनचेस्टर सिटी टू बी प्रेस्टिजियस प्राइस। तो अर्जेंटीना के जो कैप्टन है लियोनेल मेसी, उनको फिर से बैलेंडोर बेस्ट मिला है फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और उनने किसको हराया है, ये मैनचेस्टर सिटी क्लब है फुटबॉल का जिसमें अर्लिंग हलांड बोल के खेलते हैं, उसको हराया है। ठीक है, जाहिद हुसैन सिक्योर द सिल्वर मेडल एट प्रेस्टिजियस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन साउथ कोरिया। तो जाहिद हुसैन को सिल्वर मेडल मिला है जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा है 2023 साउथ कोरिया में। द नेशनल मेडिकल कमीशन द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स सेट टू लॉन्च इट्स वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब जितने भी डॉक्टर होंगे, जैसे अभी अलग अलग स्टेट से अलग अलग को मिलता है, अब हर एक देश के लिए एक ही जगह से सबको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये अच्छी बात है, बहुत धांधली से रुक जाएगी। रेनाउंड फिल्म मेकर शिखर कपूर विल बी द जूरी हेड ऑफ इंटरनेशनल कंपटिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा इन गोवा। मतलब इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है गोवा में, उसके एक जूरी एक जज के रूप में शेखर कपूर को भी लिया जाएगा जो कि यहाँ के एक डायरेक्टर है बहुत बड़े। और यहाँ से और चार लोग भी हैं जो कि बाहर के हैं, तो उतना पूछा जाएगा नहीं। अगला है ग्रैंड इवेंट्स मार्क द फॉर्मेशन डे सेलिब्रेशन अक्रॉस 7 स्टेट एंड 2 यूनिटरीज और नवंबर 11। तो ग्रैंड इवेंट डेज इवेंट मार्क्ड द फॉर्मेशन डे। फॉर्मेशन डे कब मन रहा है इंडिया में, 1 नवंबर को। इसमें कौन से स्टेट सेलिब्रेट करते हैं इसको, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और यूनियन टेरिटरी जो है वह लक्षद्वीप और पुदुचेरी भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला केरला के कोझिकोड शहर को ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। मतलब इसको लिटरेचर का सिटी कहा जा चुका है कोझिकोड को। ठीक है, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर हैज़ अप्रूव्ड। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन इंडिया का, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ने अप्रूव किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रपोजल को डेवलपमेंट के लिए ऑफ द वर्सिटीज़ का जो फर्स्ट सैटेलाइट उसको टू बी नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर सर सैयद अहमद खान। तो उनके जो फाउंडर है सर सैयद अहमद खान, उनके नाम पे बनाने के लिए उनका फर्स्ट सैटेलाइट। तो अच्छा लगा आप वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।